Hey guys, this is Shweta Singh and you are watching my YouTube channel FitFunda Shweta Singh. So guys, अगर आप मेरे channel पे पहली बार आए हैं तो channel को subscribe जरूर कर दीजिएगा और bell icon भी दबा दीजिएगा so that जितने भी मेरे health और fitness से related videos हैं आपको time to time मिलते रहें. So चलिए आज की video के बारे में बात करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं, हालांकि आपको दूध लग रहा होगा ये दूध नहीं है, ये है छाछ मतलब बटर मिल्क. सो गर्मियों में तो मेरी बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ. बहुत लोग पीते तो ज़रूर हैं लेकिन इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता, तो मुझे यकीन है आज इस वीडियो को देखने के बाद, इसके पूरे बेनिफिट्स जानने के बाद आप डेली इसे ज़रूर पियेंगे. पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये कि बटर मिल्क आपको विटामिन एंड मिनरल्स से नरिश करता है. बहुत से न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम और प्रोटीन तो इसमें है ही, मतलब अच्छी अमाउंट में. इसके साथ साथ आपको जो विटामिन्स मिनरल्स मिल रहे हैं वो ये, आपको पोटेशियम मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, जिंक, सोडियम, प्लस विटामिन्स में आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी, ये सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इस बटर मिल्क से, जो कि आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड पॉइंट ये कि जिसको गर्मियों में इसको रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि गर्मी में आपकी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हीटेड अप होता है, तो उसको कूल डाउन रखने के लिए भी मतलब आपको रिकमेंड करते हैं कि छाछ पी लो, तो थोड़ा सा गर्मी से जो हीट स्ट्रोक है उससे आप बच सकते हैं. दूसरे पॉइंट में ही यही है कि अगर आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं, मतलब आपको बहुत बार फील हुआ होगा स्पाइसी फूड खाने के बाद जलन होने लगती है पेट में, तो अगर आप बटर मिल्क पी लेंगे उसके बाद स्पाइसी फूड खाने के बाद, तो जितना भी आपका जो स्पाइसी फूड है वो वॉश डाउन हो जाएगा और आपको एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा और आपका डाइजेशन. छाछ में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है जो कि आपके डायरिया होने से प्रिवेंट करती है, ठीक है. इसमें अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इसको पीने से आपका वो जो फूड पाइप को क्लीन रखना या ऑयली फूड को वॉश डाउन करना उसमें भी बहुत हेल्प करता है. साथ ही अगर जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, जिनको डेयरी प्रोडक्ट या दूध के बने प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो छाछ एज अ ऑल्टरनेटिव वो पी सकते हैं, ठीक है. और स्टमक इन्फेक्शन से भी बचाता है, प्रिवेंट करता है छाछ. सो गाइस, चौथा हमारा पॉइंट है वो ये कि आपको ये हाइड्रेटेड रखता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गर्मियों के लिए. समर्स में आपको ज़्यादा पसीना आता है, बॉडी से पानी का पानी कम होने लगता है, तो अगर आप इसको पियेंगे तो आपकी जो पानी का जो इनटेक है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है. एंड येस, इसमें ये फुल लोडेड विद इलेक्ट्रोलाइट्स है, सो जो कि बहुत ही आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए. गाइस, इसमें कैल्शियम बहुत ही अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये आपकी बोन हेल्थ को बहुत ही इम्प्रूव करता है. प्लस जिनको ऑस्टियोपोरोसिस या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब आपकी बोन की जो हड्डियाँ हैं कमज़ोर हो जाना, अर्थराइटिस मतलब आपकी जो जॉइंट्स हैं उसमें बहुत पेन होना और वो भी कमज़ोर हो जाना, तो मतलब और ओवरऑल आपकी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा, आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस. जो लैक्टोस इंटॉलरेंस है वो भी कंज्यूम नहीं कर पाते मिल्क के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए ये अच्छा है कि वो छाछ पिए और अपनी कैल्शियम की पूरे दिन में आप इतना कुछ कंज्यूम करते हो, फूड खाते पीते रहते हैं हम, है ना, अलग अलग वैरायटीज़ के फूड खाते हैं, तो क्या होता है उस बॉडी उस फूड को ब्रेक डाउन करती है एंड उससे जितने भी बेनिफिशियल एलिमेंट्स होती हैं उसको यूज़ कर लेती है. अब पूरे प्रोसेस में क्या होता है, बहुत से हार्मफुल एलिमेंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती. सो उसको मतलब छाछ क्या करती है, उस जिसमें कि रिबोफ्लेविन करके एक विटामिन है जिसे हम विटामिन B2 भी बोलते हैं, वो क्या करती है, आपकी बॉडी में जितने भी फूड आपने कार्ब्स जो यूज़ खाए हैं उससे आपकी आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, पहली बात. दूसरा ये कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, जो भी आपके हार्मफुल एलिमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्प करेगी.
अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है जो कि आपके यू नो जो हार्मफुल एलिमेंट्स प्रेजेंट है बॉडी में है ना, उसको भी हटाने में हेल्प करेगी, उसको भी प्रिवेंट करती है कोई भी। तो छाछ हमारे यू नो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, इससे होने वाले जैसे हार्ट डिजीजेज हैं या हार्ट स्ट्रोक्स हैं उसको भी प्रिवेंट करता है, उससे भी प्रिवेंट करता है। अभी इसमें ना बायो एक्टिव प्रोटीन भी प्रेजेंट है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो रखता है। प्लस इसके जो और बेनिफिट्स की बात करें तो वो ये कि इसकी कैलोरीज बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 100 ग्राम में 40 कैलोरीज होती हैं जो कि आपके अगर आपका फैट लॉस का यू नो गोल है तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि इसमें फैट्स नहीं होते। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें, अगर जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल्क और चीज़ में प्रेजेंट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें भी प्रेजेंट है तो आप इसको आसानी से मिल्क और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको ये फुलनेस मतलब आपको हमेशा अगर आप इसको पियोगे तो ऐसा नहीं लगेगा, मतलब आपको फुल रखेगा, आपका हंगर सप्रेस करेगा, तो ये इसकी बहुत अच्छी बेनिफिट्स हैं जो कि आपको फैट लॉस में। जो हमारा अभी लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिट है, बेनिफिशियल है। सो आपकी स्किन को मतलब स्मूथ रखने के लिए, आपकी स्किन को ब्राइट रखने के लिए और आपकी फेयरर करने के लिए स्किन को, और या जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम है या जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है उन सभी के लिए, स्किन की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है छाछ। सो गाइज छाछ तो आप ज़रूर पीजिए, मतलब आप इसको एज अ यू नो अगर आप स्किन की बात कर रहे हैं तो आप एज अ मास्क इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ इसको एज अ फेशियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है यू नो क्लींजिंग के लिए भी। सो इसको आप इसकी जितनी भी रेसिपीज होंगी यू नो एज अ फेस पैक लगाने के लिए आप उसको आप देख सकते हैं इंटरनेट पे कि कैसे यूज़ किया जा सकता है छाछ को स्किन के ऊपर। हालांकि मैं पीने की बात कर रही हूँ तो मैं पीने का बता सकती हूँ, रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इसको दिन में दो बार तो ज़रूर पीजिए है ना, एक से दो बार तो ज़रूर पीना है। प्लस बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें ऐड ऑन्स करने लगते हैं, शुगर ऐड करते हैं या सॉल्ट ऐड करते हैं, तो वो सब मत कीजिएगा बिकॉज इससे क्या होगा इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो कम होने लगेंगे। सो उसको हमें वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इसके बेनिफिट्स कम हो, तो इसके सारे बेनिफिट्स को आप पूरा यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से। सो इसमें एडिक्टिव्स नहीं डालना है आपको, शुगर और सॉल्ट ज़्यादा नहीं रखना है, हालांकि आप थोड़ा ज़रूर अगर आपको लग रहा है फिर भी आप थोड़ा ज़रूर कंज्यूम करें, लेकिन ठीक है एक से दिन में एक या दो बार तो ज़रूर पीजिएगा। तो मैं तो रोज़ पीती हूँ, मेरी तो ये फेवरेट ड्रिंक है। सो गाइज अगर आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाय बाय।